व्यापारी व ग्राहकासाठी विविध सुविधांचा समावेश करून तयार होणारे कळमना किराणा मार्केट यार्ड हे देशातील सर्वात सुंदर किराणा मार्केट यार्ड ठरेल व येथील किराणा व्यावसायिकांचा चौपट फायदा होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किराणा मार्केट यार्डच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात व्यक्त केला. भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. नागपूर इथवारी किराणा मर्चंट असोसिएशनच्या वतीने कळमना मार्केट यार्ड परिसरात उभारण्यात येणारा किराणा मार्केट यार्डचे भूमिपूजन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमात आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, दि नागपूर इतवारी किराणा मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळेस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना खूप वर्षाचं स्वप्न आज पूर्ण होत असल्याचे ते बोलले. किराणा जो हमारी असोसिएशन है उस असोसिएशन को और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज एक बहुत अच्छे नए काम की शुरुआत हो रही है. ये जो मार्केट बन रहा है ये अंदाजन 16 लाख स्क्वायर फीट का है और इस मार्केट में हर व्यापारी को जो जगह मिल रही है उसको 4 पार्किंग फ्री ऑफ चार्ज मिल रहे हैं और इसकी जो लैंड पकड़ के जो कीमत आ रही है वो केवल 2100 रुपए पर स्क्वायर फीट है. अगर मार्केट में अगर इसकी तुलना की जाएगी तो इससे बराबर 3 गुना ज़्यादा यानी 7000 रुपए स्क्वायर फीट का इसकी कॉस्ट मार्केट में जब आप बेचोगे तो अगर कोई लोग अगर मार्केट में आने के बजाय किसी को बेचेंगे तो उनको बहुत पैसा इसमें मिलेगा. ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट जब बनाने के लिए अभी मुझे खरे जी बोल रहे थे कि मैं 2004 से काम कर रहा हूँ तो भी थके नहीं आप. हमारे सरकारी यंत्रणा में बहुत बड़ी ताकत है. हम 20-20 साल का ट्रेनिंग देते हैं और विशेष रूप से हम लोग अभी मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक जो शहीद चौक से रोड जाता है इसका 4 लेनिंग का काम कर रहा है और मुझे पता है कि ये रोड में काफ़ी लोगों की दुकानें जाने वाली है. तो जाने के पहले ही हमने ये तय किया था कि उसके पहले ही उनके लिए कोई परमानेंट अच्छी व्यवस्था हो जाए ताकि उनका धंधा उनका नुकसान ना हो. अब ये जो मार्केट है ये किराणा एसोसिएशन तो यहाँ पूरी आएगी पर विशेष रूप से जो रोड बन रहा है उसमें पोहाओली, लोहाओली, अनाज मार्केट, दही बाजार, हरिगंगा की बिल्डिंग और भाजी मार्केट ऐसे 6 जगह पर हम पार्किंग के साथ नए मार्केट भी बना रहे हैं. उसके लिए भी कॉरपोरेशन ने सबको बुलाया, मेरे साथ भी मीटिंग हुई है और जल्दी ही 3-4 महीने में इसका भी काम करेंगे. कोशिश यह है कि आजकल सबके पास गाड़ियां हुई है, घर बनाते हैं पर पार्किंग नहीं बनाते, फिर रोड पर गाड़ियां खड़ी हो जाती है. और मुझे ये पता है कि मैं जब से राजनीति में हूँ, अभी कृष्णा जी बोल रहे थे कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, पर बहुत से किराने वालों ने अनेक घरों में जाकर अंदर में रूम में अपना माल रखने के लिए गोडाउन के रूप में अनेक घर लेके रखे. मुझे मालूम है अंदर अंदर घुस घुस के जहाँ चल नहीं सकते वहाँ जाके अपना सुपारी का गोडाउन रखा है और फिर झगड़े होते थे और झगड़े होने के बाद पुलिस स्टेशन तक जाते थे, अनेक झगड़े सुलझाने का काम भी मुझे करना पड़ा. तो मैं तो पूरी तरह जानता हूँ कि ये मार्केट कहाँ कहाँ घुस गया है. जहाँ किरण जाते होंगे वहाँ अंदर में घुसा है. तो स्वाभाविक रूप से मार्केट वालों को भी तकलीफ थी और मजबूरन गए क्योंकि धंधा करना है और इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरी इतवारी और कंजेस्टेड हो गई. दो अच्छी बातें हुई है कि गीता मंदिर के सामने एम्प्रेस मिल के जगह पर 16 लाख स्क्वायर फीट का इतना ही बड़ा एक टेक्सटाइल मार्केट का भी काम शुरू होगा. अभी आने वाले 1-1.5 महीने में उस कार्य की शुरुआत हो जाएगी. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उसके आर्किटेक्ट है और मेरी कल्पना है कि केड़ीबाग रोड, इतवारी, गांधीबाग और उससे भी महत्वपूर्ण बरडी मेन रोड के
अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट के और टेक्सटाइल के मार्केट अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी पार्किंग की सुविधा है, रेस्टोरेंट है और लोगों को जाने के लिए भी वहाँ सुविधा मिलेगी। माड़ा की वो जगह है और उसका डिज़ाइन भी प्रेजेंटेशन मेरे साथ हुआ है, एसोसिएशन वालों को भी दिखाया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है और जल्दी वो भी मार्केट हो जाएगा। अगर ये दोनों मार्केट होने से इतवारी में ट्रैफिक कंजेशन कुछ कम होगा। एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि हमारा नागपुर ये 0 माइल है, नागपुर ये ऑरेंज सिटी करके नागपुर को जाना जाता है। नागपुर के आसपास 3.5 घंटे पर 350 टाइगर है, तो टाइगर कैपिटल के रूप में भी जानता है, नागपुर को ये मान्यता है और वर्ल्ड से लोग अब नागपुर आने लगे हैं। स्वाभाविक रूप से ये शहर प्लान हो इसके लिए अनेक काम हुए हैं, विशेष रूप से कृष्णा खोपड़ी जी के नेतृत्व में उनके आग्रह के कारण पारडी का उड्डान पुल बना है। ये पारडी का उड्डान पुल इतना अच्छा बना है कि आप भंडारा रोड को जाएंगे तो 2 मिनट में उधर बाहर निकल जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से ये ब्रिज के कारण भी यातायात में यहाँ बहुत सुविधा मिल जाएगी। अगर आप इतवारी में निकलोगे तो मुझे लगता है 5-6 मिनट के अंदर आप मार्केट में पहुँच जाओगे। और उसके साथ साथ ये जो रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ का, उसका भी ब्रिज बन रहा है। और कृष्णा जी ने मुझे ये रेलवे लाइन को उधर जोड़ने के लिए जितने जितने अंडरपास बताए वो लगभग पूरे मंजूर हो गए, उसका भी काम शुरू हो रहा है। तो ये जो मार्केट है इसको अलग अलग प्रकार का एक्सेस मिलने वाला है। और निश्चित रूप से इस मार्केट को बनाते समय एक मेरे पुराने अनुभव की बात थी कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सेंट्रल एवेन्यू रोड पर एक अनाज मार्केट बनाया था और मैंने जब अनाज मार्केट है तो वहाँ अभी अनाज मार्केट छोड़कर सब दुकानें हैं, अनाज का एक भी दुकान नहीं। तो वो अनुभव के आधार पर जब योजना बनाने के ये आए थे तो मैं थोड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा जिंदगी भर क्या सुपारी के बोरे पर बैठ के धंधा करोगे क्या, जरा एयर कंडीशन मार्केट में रहो, पार्किंग में जाओ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो ताकि आपका बिजनेस बढ़ेगा। अभी हम लोग हमारे बचपन में इतवारी में किराना लेने के लिए आते थे, अब नहीं आए, 15-20 साल से बंद हो गया, इतवारी जाना ही बंद हो गया, गांधीबाग जाना ही बंद हो गया। इसका कारण सुविधा ही नहीं है कि वहाँ भारत स्टोर में हमारे यहाँ कोई भी शादी होती तो कपड़ा लेने के लिए वहाँ जाते थे पहले, अब क्यों नहीं लोग आते, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए अच्छा बिजनेस अगर करना है तो पार्किंग की भी सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्केट में वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सभी बातों का विचार किया गया है। या कार्यक्रमाला उपस्थित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शहराच्या इतवारी भागात गजबजलेल्या जागेत असलेल्या किराणा बाजाराचा विस्तार करण्याच्या चर्चा बऱ्याच वर्षापासून सुरू होत्या, मात्र या संदर्भात ठोस असे काही घडत नव्हते। या किराणा बाजाराच्या स्थलांतरणासाठी विविध ठिकाणाच्या नावाची चर्चा होत राहिली, मात्र ते प्रत्यक्षात होऊ शकले नाही। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी किराणा मार्केट यार्डची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी श्रम घेतले आणि किराणा मर्चंट असोसिएशनने त्यास चांगला प्रतिसाद दिला। परिणामी येत्या काळात किराणा मार्केट यार्ड प्रत्यक्षात उभारले जाणार आहे। नासुप्रने या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली असून वीरेंद्र खरे यांनी यार्डचा उत्तम प्लॅन तयार केला हेही कौतुकास्पद असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले। ऐतिहासिक दिवस है कि आज इस हमारे इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के माध्यम से इस यार्ड का यहां पर भूमि पूजन हो रहा है। मुझे याद है कि जब मैं राजनीति में आया था तब से मैं सुनता था कि हमारा जो इतवारी का किराना बाजार है अब ये बहुत कंजेस्टेड है तो इसको कहीं बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन चर्चाएं होती थी पर उसका कभी हल निकलता नहीं था। और 20-20, 25-25 साल ये चर्चाएं चली, कई बार इस जगह होगा उस जगह होगा इस प्रकार की बातें भी हुई लेकिन वो हो नहीं पाया। पर आज मैं तहे दिल से बधाई दूंगा और
आभार भी व्यक्त करूंगा हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी का कि जिन्होंने बहुत इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए श्रम लिया, मेहनत की और हमारे एसोसिएशन ने वैसा ही प्रतिसाद दिया। उसके कारण आज यहां पर ये भूमि पूजन हो पाया है। नागपुर सुधार प्रन्यास ने ये भूमि दी है और वीरेंद्र खरे जी ने बहुत सुंदर इसका प्लान तैयार किया है। वैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेन आर्किटेक्ट वीरेंद्र खरे जी है और को आर्किटेक्ट नितिन गडकरी जी है, तो दोनों ने मिलकर इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और मेरा विश्वास है कि कम से कम समय में इसका जो कोई बांधकाम है वो पूरा होगा। और ये भी मुझे विश्वास है कि हमारा एसोसिएशन प्रयास करके हमारा पूरा जो मार्केट है उसको यहां पर शिफ्ट करेगा और इतवारी में हमारा मार्केट जो आज हमको दिखाई पड़ता है उसकी जगह सारे के सारे लोग ये इस यार्ड में